अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ सहर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सहर अब्बास। और मैं आपके लिए लेकर आता हूं मार्केट से रिलेटेड बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपीज। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैं आज आया हुआ था अपनी कज़न की तरफ, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आज कुछ बनाकर खिलाएं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाए। तो पहले तो मैं आपको अपने कज़न्स के साथ मिलवाना चाहूँगा। ये है मेरे कज़न यहाँ पर हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, और इसके साथ हैं मीसम, और ये मेरे साथ हैं अजान यहाँ पर, वालेकुम सलाम। व्यूअर्स को आप लोगों को भी सलाम सत्ता। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज मैं थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करूँगा कि मैं आज सिर्फ कुकिंग ही नहीं करूँगा, साथ में हम थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे, थोड़ी सी मस्ती होगी, और जो ये सब लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे बहुत मज़ा आएगा, आप हमारे साथ रहिएगा। आज की वैसे जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल। मुझे डिमांड की थी मेरे भाइयों ने, तो मैं इंशाल्लाह जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा वो अथेंटिक होगी, आप लोग घर में भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी और बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार वाली बनेगी। तो इंशाल्लाह आप आइए, हम स्टार्ट करते हैं। ले जी हुसैन साहब, सनी भाई का आपको तारीफ करवाते जाए। सनी भाई जी बहुत अच्छे शेफ हैं और आज हम सब इकट्ठे होकर इधर आए स्पेशल मिक्स सब्जी खाने के लिए। हमने फरमाइश की है, हमने भाई से कहा कि भाई जरा कोई खाई है, लेकिन सनी भाई क्या थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार, थैंक यू सो मच। जी जरूर बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं भाईजान अभी। जी सबसे पहले हम चला चूल्हा अपना चूल्हा ऑन कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी के साथ ले लेते हैं हम अपना ऑयल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है हमें, ज़्यादा नहीं बनाना आज, बिल्कुल मैं 2 से 3 लोगों के लिए खाना बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल इसको एक समझ लें कि खाने वाला जो चम्मच है जिससे हम खाना बनाते हैं वो मैंने ऑयल ले लिया है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे अपने ऑनियन, ले जी ये हमारे यहाँ पर ऑनियंस हो गए। अब हम इनको थोड़ा सा सोते करेंगे, और व्यूवर्स जो भी रेसिपी हम बना रहे हैं या हमारा काम, हमारी वीडियोस अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज़ हमें लाइक एंड कमेंट के ज़रिए बताते रहा करें हमारा काम कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है। और अपने व्यूवर्स के लिए भी मेरा यही है कि आप इसको फॉलो कीजिएगा, सेम इसी तरह बनाइएगा, घर में बहुत अच्छी बनेगी, जैसे आज मेरे कज़न मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके कज़न आपकी तारीफ़ करेंगे। आज अपने रेस्टोरेंट में नहीं बना रहा मैं, आज मैं अपने कज़न के घर पर बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। आपको पता है वहाँ पर हमारे पास रेस्टोरेंट में चूल्हे भरे होते हैं, हमारे पास जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 से 4 कज़न्स हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं। तो आज मैं इसे आपको घरेलू स्टाइल में बनाना सिखा रहा हूँ और ये बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बनेगा। यार बस टाइम नहीं करता, आपको पता है मार्केट पे हम लोगों को जो है वो रेगुलर डे में छुट्टी मिल सकती है, लेकिन सैटरडे संडे में बहुत कम मुश्किल हो गई है। कॉल में भी यही पूछ रहे थे। अच्छा ज़बरदस्त, क्या बात है। बस यार मैं इंशाल्लाह ज़रा बस थोड़ा सा हुसैन साहब कोई बात नहीं सुनाएंगे आज आप हमारे व्यूअर्स को, कुछ सुनाएं जरा अपने पंजाबी स्टाइल में जो आप जैसे बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज लोग भी एंजॉय करें हमारी वीडियो को, इसीलिए मैं अपनी वीडियो जो है वो साथ साथ ही चला रहा हूँ, मैं सफर नहीं कर। हुसैन साहब अगर आज कुछ आप सुना दें, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, चाहे कोई कसीदा सुना दें अच्छा सा, कोई मौला की नज़र, आज आपको पता है फर्स्ट शाबान भी है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हुसैन भाई इसी के साथ में मजेदार सा कसीदा सुना। हर एक दिल में करबला, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने, सुभान अल्लाह, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने, नजर ना तो था खुदा। ये
जी इसी वक्त हम डालेंगे यहाँ पर अपना टमाटर का पेस्ट। बहुत ही आसान तरीके से आसान रेसिपियाँ हम लोग यहाँ पर, कोई वो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा जी भैया आपको, बस अभी समझिए कि थोड़ी देर में इंशाल्लाह तैयार हो। ये देखिए जी माशाल्लाह यहाँ पर मसाला बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। सर मैं आपको कह रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट इंशाल्लाह खाना तैयार होगा हमारा। तब तक कोई इंटरटेनिंग किसी तरह हम लोग आपके साथ बातें करते रहेंगे व्यूअर्स, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई हमारी बात बुरी लगी हो तो वो भी जरूर बताइएगा। हम इस नेक्स्ट टाइम सर कोशिश करेंगे कि वो ना करें आपके साथ। अभी 6 मिनट आप हमारी बर्दाश्त कर लीजिए। आप आवाज सुन सकते हैं या तो बारिश हो रही है। हाँ जी मैं तो साले भी भूल चुका है। ये देखिए इसकी निशानी कि इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब इसी टाइम हम इसके अंदर डालेंगे अपनी बाकी वेजिटेबल्स और इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी। मैंने आपको बताया कि हमने जो ये बना रहे हैं ये अपने खाने के लिए बना रहे हैं, आज बेचने के लिए इंशाल्लाह देखिए इस वक्त मैं इसकी बुनाई कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा बुनाएंगे। जब भुनेंगे इस टाइम पे सब्जी को तो जो मसाले का अरोमा है, फ्लेवर है, वो हर वेजिटेबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे थोड़ा सा पानी लगा के ताकि ये गल जाए और इंशाल्लाह फाइनल कर देंगे। जी तो नाज़रीन आपको ये सारा कुछ समझ आ गया, हमें भी नाज़रीन को देख के समझ आ रहा है कि जल्दी बस पकेंगे और इंशाल्लाह ज्यादा देर नहीं बस। अच्छा तो भूख का आपको बताते चले कि आज इतनी भूख क्यों लगी है। हम लोग जरा काफी दूर चले गए थे और वापस हमें पैदल आना पड़ा, वॉक करके खत्म हो गया तो गुरबन ही सुन सही बोला जी। तो वजह ये हुई कि पेट्रोल खत्म हो गया, लोग खाना खाने के बाद वॉक करते हमने पहले कर लिया क्योंकि हमें पता था कि सनी भाई आ रहे हैं, जितनी भूख लगेगी उतना खाना खाएंगे और खाना तो बड़ा लज्जत वाला बड़ा टेस्टी था। बेशक ये वजह हमारी भूख की है भी, आप ये ना कह रहे पता नहीं कितनी हड़ी नहीं देखी। ये बहुत अच्छा खाना बनेगा मेरे भाई मेरे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बहुत अच्छे और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारा अपना चैनल है यार, क्यों नहीं, क्यों खाना अभी खा के जाना आपके लिए बन रहा है और आप ही घर आके बना रहे घर आज कोई इसलिए नहीं है कि हमारा घर इवेंट है, वो सारे गए हुए हैं और हमें लेकर नहीं गए तो हमने कहा चलो सनी भाई को कॉल करते हैं। और सनी भाई को हमने आज धोखे से बुलाया ये आ नहीं तेरे, इसलिए हमने कहा कि हम आपका बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं और हमने पिज्जा मंगवाया हुआ, सनी भाई इसलिए आए हैं और आज ने देखा हम तो खुद भूखे बैठे हैं, आज ने लगाया काम पे और ये भी सीधा काम से ही आ रहे हैं। मैं अपना यूनिफॉर्म साथ लेकर जाता हूँ तो सडनली वो तो अच्छा हो गया कि मैं लेकर गया था, वो तो कोई करनी पड़ी वरना मुझे मेरे कपड़े जो है वो खराब हो गए। तो जब मैं यहाँ पहुँचे मैंने मुझे कुकिंग के लिए कहा तो सडनली मेरे पास थे, मैंने कहा चलो फिर मैं शेफ को कह नहीं लेता, जब बहना तो मैंने सोचा फिर वीडियो भी बना लेता, मैंने आज वीडियो नहीं बना चले जी।
लेनी हमारी जो वेजिटेबल है वो भुनाई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको दम दे देंगे। की है ना नाटा पा खाना बन गया वे थोड़ा ये जो हम इसको जोश देंगे ऊंची आग पे, देखिए इतना पानी इसे टूपन बह के रोटी रोटी खाने पहले शलवार जी वहां पर मटर डूब गए ने। ले जी आग मैंने ऊंची कर दी है और ये देखिए अब मैं इसको जोश दिलाऊंगा और जोश दिलाने के बाद मैं इसको स्टीम देकर से बंद कर दूंगा ताकि हमारी वेजिटेबल गल जाए। हाँ जी अब बताएं मैं जरा बिजी। हाँ जी क्या कह रहे थे आप? किसने अली भाई आप बड़े दूर दूर है बात नहीं कर रहे नहीं दूसरी बात के लिए भैया नहाए भी नहीं फिर हम तो स्मेल भी बर्दाश्त नहीं भाई यार क्या हुआ है आपको जी अली भाई देखे देखे मेरा देखे देखे मैं तो देखो रोटी को देख वो भी कह रहे हैं टाइम काट के पी देख रहे हैं मुझे तो ये समझ आ रही है कुकिंग वीडियो में लोग बना रहे हैं कुकिंग आज हुई लेकिन ये है कि आज कुकिंग मजेदार तो होगी आज लेकिन वीडियो ज्यादा मजेदार होगी यार अब देखो वैसे जी सनी भाई की क्वालिटी है टाइम थोड़ा ज्यादा लेते हैं लेकिन खाना ए प्लस प्लस तो सनी भाई अभी से जरा आप देखें मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा लगने में नहीं नहीं मेरा ख्याल ये है कि आप इसको ना देखें आप अपने आप को देखिए ये मैं देख रहा हूँ आप हमारी हालत देखें देखिए जी हर चीज अपना टाइम पूरा लेती है ये जब तक पूरा टाइम लेगी तो बनेगी। अब आप देखें ना उसके ऊपर वो ग्रेवी वाला वो आता जा रहा है टेक्सचर और आप भी थोड़ा टाइम हमें दिया करें पूरा। हाँ जी आप बहुत बिजी हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आकर आज बहुत मजा आ रहा है मुझे अब सर्दी बनाने का तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हफ्ते में एक दो दिन यहाँ पर आकर इंशाल्लाह वीडियो जरूर बनाऊंगा। मुझे नहीं पता था यार इतना एंटरटेनिंग होगा वैसे बहुत एंटरटेनिंग हो गया आगे आप अपने किचन में अकेले लगे होते हैं चुपचाप मजा नहीं यार हमने 5-6 इश्यूज बनानी होती है तो यहाँ पर आपको पता है हमें कोई टेंशन नहीं है थोड़ा आप ही कह रहे हैं जल्दी कर दो बाकी कोई टेंशन नहीं है जी सिमिलर तो नहीं है तो इसके अंदर मैं आगे इसको दूंगा स्टीम ताकि ये देखिए इस तरह अभी थोड़ा सा मैंने इस आंच को ऊपर रखा हुआ है अभी मैं इसको स्लो कर दूंगा बिल्कुल इसकी दम वाली आके खा के ये इसके अंदर सब्जी गल जाए ये ले बस ये अब यहाँ बनेगी और ये अपना टाइम लेगी थोड़ा सा तो मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़े से टाइम के बाद। यार मैंने यार दोस्तों शापर के ना ले नहीं शापर बाहर ही तालु बटी यार नहीं ये नहीं तो भी निकाल अच्छा मजे की बात याद है वो वाला जिधर वहाँ पे हम खाना खा रहे थे वली पे का वहाँ पे ये शॉपर ले गया ये सच्ची बात है बाकी ऐसा हुआ था इसने चोपर लिया और उन्होंने इसे पकड़ा और बहुत बजाया भी खाने के साथ ये मार भी खा के आई ये सच्ची बात है और इसको खराब ना होती और ये तब से ही लाल हुआ है ये कुछ जगह पे तरी लगी है कुछ इसका खून है ये बाकी ये सही बात है सनी भाई ने बहुत अच्छी बात याद करवाई बनी ने बोला कैसे पता है ये भी लेके गए थे सनी भाई ने यहाँ यहाँ तक अपने बाजू चलाए और मुर्गे का हर पीस इन्होंने अपनी प्लेट में रखा है पता नहीं जोड़ना सी इन्होंने वापस इतनी ऊंची प्लेट ऊपर लोग पता जाने लाले ये सनी भाई का था और मिशन साहब भी वहाँ ही थे और मैं भी वहाँ ही था वहीं पे चली थी ये सच्ची बात है
किसी कभी भगलों में नाच रही हुई थी अच्छा मजे की बात है वो खाए किसने इसने खाए एक बगल में नान है एक बाल है वो टेस्ट कोई भी नहीं बना सकता नहीं वो जो ये ही बना दूसरी बगल में इसने हलवा लगाया जी तो अब हमारा फोकस अपने खाने की तरफ हो गया जी हम साथ साथ देखेंगे हमारी वेजिटेबल जो है वो तकरीबन हो चुकी है बस थोड़ी सी रह गई चलो सरयान साहब आप खाना लेके आए क्या कमाल की खुशबू आ रही है हम लोग जरा सेट बैठ करवा लें सुभान अल्लाह बस थोड़ी सी देर और 5-6 मिनट इंशाल्लाह आप लोग 5-6 मिनट बाद खा सकते ये सनी भाई स्नैक चले गए रोटियां ले ले इंशाल्लाह बस ये देखिए व्यूअर्स थोड़ा सा सिर्फ कसर रह गई मैं आपको दिखा देता हूं वाह वाह सुभान अल्लाह ये देखिए व्यूअर्स ये बस थोड़ी सी है इस पे कसर बाकी हो जाएगी हो गया हुआ है बाकी अब हमें कसर नहीं रही और ऐसे ही कर दी कसर हम लोगों के पास जरा वहाँ पर ना चूल्हे सारे प्रोफेशनल होते हैं काम के लिए लोग हमारे पास अवेलेबल होते हैं मतलब हमारे पास 4-5 डिशवाशर हैं हेल्पर्स होते हैं और हमें इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर थोड़ा सा घर में थोड़ा सा होता है कि हमारे पास चूल्हा जो है वो घरेलू है और जो सामान है वो उस तरह से नहीं होता जैसे हम वहाँ काम करते हैं प्रॉपरली प्रोफेशनल लेकिन यहाँ पर मैं एक घरेलू स्टाइल में जैसे घरों में खाना बनता है मैं वैसा ही बना रहा हूँ और थोड़ा सा मेरा किचन अपना नहीं है इसलिए मुझे यहाँ का हाव नाव नहीं है नहीं थोड़ा सा अगर वो पता क्या है कि बंदे को यूज़ होता है पता होता है या हाथ सेट होता है तो अगर थोड़ा सा भी कोई मतलब आपको फील हो कुछ ऐसा फील कि मतलब थोड़ा नहीं सही हो रहा तो उसके लिए माजरत तो इंशाल्लाह बाकी आपको प्रोफेशनल वीडियो सेंड करते रहेंगे अपने ही चैनल से जैसे वहाँ पर कर रहे हैं बाकी आज की अगर मैं सही बात बताऊँ मैंने जितनी भी वीडियोज डाली हैं सबसे मुझे लग रहा है आज जबरदस्त होने वाली है नहीं बस थोड़ी सी होती है थोड़ी 2-3 मिनट की 8 तब तक रोटी है तो आ जाए कैमरा मैन से कहूँगा वो आपको दिखाए फाइनल लुक ये देखें हमारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें मसाला बन के तैयार और सबसे जो मैं अपनी इस वीडियो में बात करता हूँ कि हंडिया जब हमारी बन जाती है उसकी निशानी होती है कि देखें ये अपना ऑयल ये देखिए इतने छोड़ दिया है ये आप देख सकते हैं हाँ जी और ये हमारी हंडिया तैयार हो आपने देखा था मैंने कितना पानी डाला था अजान भाई आप कह रहे थे ना कि यार इतना पानी हम देखें कहाँ है पीलिया ना कोई ना जनाब नहीं ये वेजिटेबल इसमें गल जाती है इसलिए वो पानी लगाया था जान भाई उस समय आप खुद बात को बोल दीजिए पीलिया ना कोई कल हमने शोरबे वाला सालन मंगाया था उसमें थोड़ी देर बाद पानी नजर नहीं था आना यानी कि शोरबा हमारा खाना बिल्कुल तैयार है आने तो मामा को मैं दोबारा बताता हूँ तो अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं हुसैन साहब भी आज क्या बना क्या बना सालन दो सालन बस आप डिश आउट कर रहे हैं आप थोड़ा सा सुधार ठीक है ले जी ये हमारा सालन तैयार है ये देखें इसके पीछे ऑयल किस तरह से ये देखिए खास इसमें आपको कैमरा में ये आपकी साइड पे ए आलू मेरे हैं अच्छी लगी हो हमारा काम अच्छा लगा हो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके Thank you so much. Allah Hafiz.